हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश। आप देख रहे हैं एशियन टेक्नोलॉजी। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे पहले मैंने कुछ कोर्सेज बना चुका हूं, आप यहां पे देख सकते हैं। और मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैं सिर्फ क्या बनाता चाहता हूँ कि जो मुझे आता है मैं लोगों तक सिखा सकूँ, जिसके लिए मैं अपना काम छोड़ के मैं क्लास नहीं ले सकता कि मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके या उसमें जाके मैं पढ़ा नहीं सकता, उतना मुझे पास टाइम नहीं होता है। इसीलिए मुझे लगा कि यार ये सिंपल है कि अगर मैंने यूट्यूब पे चैनल वीडियो बनाया और उस वीडियो को पोस्ट कर दिया यूट्यूब पे, तो लोग क्या करेंगे, उसे देख सकते हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल अभी बहुत ही नया है, अभी जस्ट बनाया हुआ है। तो अभी जस्ट बनाया लेकिन फिर भी मैंने बहुत वीडियो यहाँ पर रख चुका हूँ, जैसे आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। आप पाइथन हिंदी नेपाली या इंग्लिश सारा कुछ यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बूटस्ट्रैप कंप्लीट यहाँ बहुत कुछ आएगा, अभी कोर्स सारा कुछ आएगा जितना आप इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं अच्छा लगता तो भी ना करिए, लेकिन वीडियो देखिए, आपको पसंद आएगा ज़रूर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आज से कोऑर्डिनेटर। अब सबसे पहले कोई भी काम आपको करना है तो पहले आपको समझना चाहिए कि कोऑर्डिनेटर है क्या। इस एक कर लेने के बाद में हमें क्या क्या हम कर सकते हैं अपने फ्यूचर में और हमारा फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो पहले मैं आपको सिंपली कुछ चैनल दिखाता हूँ, जैसे कुछ वेबसाइट दिखाता हूँ। जैसे कि आप सिंपली आ जाइए द गो ड्रीम, इंटर कर दीजिए। ये जो वेबसाइट है ये भी मैंने बनाया था, बहुत सालों पहले बनाया था, मैं ये भी बनाया था कोऑर्डिनेटर पे। तो ये भी एक आप समझ सकते हैं, यहाँ से इसे आके पढ़ सकते हैं। मैं इस तरीके का भी आपको प्रोजेक्ट बना के सिखाऊंगा। अब बाकायदे देखिए, बहुत ही आसान है और बहुत ही सारा डायनेमिक है यार ये, आप रिस्पॉन्सिव है ये, आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिक छोटा बड़ा हो जाएगा, इसमें रिस्पॉन्सिव है पूरा ये। इस तरीके का हो या आप किसी भी किस्म का ब्लॉग हो, जैसे हिमालय फाउंडेशन डॉट कॉम है, ये भी मैंने बनाया था बहुत पहले ही, अभी तो कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो फिलहाल आप इसे भी देख सकते हैं। तो ये सारा वेबसाइट हम पे बनाएंगे आराम आराम से। पहले आपको कोऑर्डिनेटर सिखाऊंगा, पीएचपी सिखाऊंगा, उसके बाद में हम कोर्स बनाएंगे, ये सारा प्रोग्राम भी करेंगे इसके लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेटर। अब कोऑर्डिनेटर आपको पढ़ना है तो अगर आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको पीएचपी आता होगा, कोर पीएचपी आपको आता होगा। अगर आपको कोर पीएचपी नहीं आता है फिर भी आप 100% गारंटी लेके कहता हूँ कि आप कोऑर्डिनेटर को समझ जाएंगे, 100% गारंटी है। अगर आपको समझ नहीं आती है तो मुझे पर्सनली एसएमएस कॉल कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपको ये नहीं आता है, अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आप, मैं उम्मीद करूँगा कि आप यहाँ पर आके मेरे वीडियो में आप चले जाएं कोर पीएचपी पे। देखिए यहाँ पे है कोर पीएचपी, है हिंदी में भी है, ए पीएचपी है। आप ये वाला पहले पढ़ें, उसके बाद में आप आएँ जो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेटर, उसके बाद में आप कोऑर्डिनेटर पढ़ें। तो चलिए हम शुरू देखते हैं कि पहले कोऑर्डिनेटर है क्या, ये देखते हैं पहले। तो मैंने तो पीपीटी नहीं बना पाता हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि मैं पीपीटी बनाऊँ, लेकिन मैं कुछ यहाँ पर लिख के रखा हूँ, अभी आज ही लिखा हूँ, जस्ट लिखा हूँ। तो ये है एक कोऑर्डिनेटर के बारे में। सबसे पहले जानना ज़रूरी है हमें कि इस ये पढ़ने के बाद में हमें फ़ायदा क्या क्या होना हो सकता है। पहली बात कि आपको फ़ायदा क्या हो सकता है वो ज़रूरी है जानना। तो फ़ायदा आप अगर देख रहे हैं तो पहली बात, आपको एक बार कोड ले, आपने कोड लिख लिया तो उस कोड को हमेशा आप यूज कर सकते हैं, हमेशा आप यूज कर सकते हैं। एक बार कोड लिखो उस कोड को हमेशा बार बार लिखो, यूज़ करो। लेकिन कोर पीएचपी में ऐसा नहीं होता। कोर पीएचपी में क्या होता है कि आपको हर पेज के लिए अलग अलग तरीके से आपको कोड लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप एक बार लिख लो, फिर उसको अगर उसी तरीके का कोड है तो क्लास के अंदर कॉल करके जहाँ चाहो वहाँ आप कॉल करके उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि फंक्शन क्या होता है, उस तरीके से ये काम करता है। दूसरी बात है क्या कि इसमें बना हुआ वेबसाइट लोग इसे हैक नहीं कर सकते, जो हैकर होते हैं ना, हैकर इसे हैक नहीं कर सकते, आप हैक से बच जाओगे। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी देता है, इसे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तीसरी फायदा क्या आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, आप अगर ये वाला यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेटर, तो आपका क्या होता है कि आपका वेबसाइट जो होता है ना, यूजर के पास जो वेबसाइट जाएगा, पेज जाएगा, वो तो बहुत फास्ट होगा, क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। आपका जो वेबसाइट होगा वो कोर पीएचपी की तुलना में करेंगे तो आप बहुत फास्ट होगा। क्यों बहुत फास्ट होगा, क्योंकि जो कोड होता है ना
एक बार लिखते हैं उसको बार बार यूज करते हैं, यानी कि एक बार लोड कर लिया तो हमेशा वो लोड हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको फिर दोबारा दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है, ये बहुत फास्ट होता है। दूसरी बात, ये सबको सपोर्ट करता है, ये भी एक ओपन सोर्स जैसा है, ये सबको सपोर्ट करता है, चाहे वो HTML हो, बूटस्ट्रैप हो, CSS हो, जावास्क्रिप्ट हो, कोई भी हो, सबको ये सपोर्ट करता है। तो ये बहुत ही यूजेबल है आप सभी के लिए। और दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें, ये तो इसका फ़ायदा हो गया, दूसरी बात क्या है कि इसका फ्यूचर क्या है। अगर आपने कोडेइग्निटर पढ़ा तो आपका जो फ्यूचर है ना, ये समझ लीजिए कि कोर पीएचपी की तुलना में आपका ये इसका फ्यूचर 50%, यानी कि 50% ना करें, 5 times क्या होता है, एडवांस हो जाता है आपका जो कोर्स, जो आपका फ्यूचर होता है ना, उतना ज़्यादा चांस होता है आपके जॉब के लिए। क्योंकि आजकल किसी भी वेबसाइट, किसी भी कंपनी में आप काम करने जाएंगे, कहीं किसी भी वेबसाइट के लिए हो चाहे एप्लीकेशन के लिए हो, तो आपको पहले पूछते ही हैं कि आपको कोई भी फ्रेमवर्क आता है कि नहीं आता है। तो अगर आप बोलते हैं कि हाँ मुझे फ्रेमवर्क आता है, तो ज़रूर कहेंगे कि आपको अगर फ्रेमवर्क आता है तो आपको कोऑर्डिनेटर ज़रूर आता होगा। तो ये बहुत ज़्यादा पॉइंट है कि आपको ज़रूरी है कि आप कोऑर्डिनेटर पढ़ें ही पढ़ें, जैसे भी उसको पढ़ें। तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, अगर आपने ये पढ़ा तो आपका सैलरी जो है ना, बहुत अच्छा सैलरी आपको मिलेगा, एक बहुत ही बेहतरीन सैलरी मिलेगा कोर पीएचपी की तुलना में। क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेटर है, ये बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं, बहुत, जैसे कि गूगल यूज करता है पीएचपी में, इसको गूगल यूज करता है, जो आप अभी देख रहे हैं यूट्यूब, ये भी पीएचपी यूज करता है। तो पीएचपी यूज करने का मतलब क्या, फ्रेमवर्क यूज करता ही है, फेसबुक यूज करता है, तो इस तरीके बड़ा बड़ा कंपनी भी इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये बहुत ही यूजेबल है आप सभी के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी पढ़ेंगे भी इसे। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, जो कोऑर्डिनेटर है ना, ये किस तरीके का काम करता है। जो कोऑर्डिनेटर है वो एक है फ्रेमवर्क, अब कोई भी फ्रेमवर्क हो तो MVC में काम करता हो। MVC क्या है पहले वो जानना है, MVC है मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये है मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर का मतलब क्या है पहले ये जानना है ज़रूरी थोड़ा बहुत। जो मॉडल है ना, आपने अगर कोर्स पीएचपी किया है या आप कहीं पे सुने हैं डाटाबेस क्यूरी जो होता है ना, डाटाबेस का सारा काम हम काम करेंगे मॉडल के अंदर, यानी कि डाटाबेस का जितना भी हमें काम करना होगा वो सारा काम हम करेंगे मॉडल के अंदर। और दूसरी बात, अब आया बात व्यू का, ये व्यू क्या है, व्यू कुछ नहीं है, व्यू है HTML और CSS, JavaScript, jQuery, जितना है ना सारा कोड आप कहाँ पे लिखेंगे, व्यू के अंदर लिखेंगे। समझ आ रहा होगा आपको, आप क्या करेंगे कि मैं PPT नहीं बनाता, थोड़ा आपको दिक्कत भी हो सकता है, लेकिन माफ़ करो, मैं PHP के उस बनाने के मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं आपके लिए PPT बनाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको कोडिंग जो है ना अच्छे से समझ आए, क्योंकि मैं एक बहुत बेहतरीन कोडिंग करता हूँ, मुझे कोडिंग बहुत क्लीन भी करता हूँ, तो आपको समझ आएगा कन्फर्म है। तो क्या होगा, देखिए MVC मॉडल व्यू और कंट्रोलर, मॉडल का मतलब काम क्या है कि डाटाबेस का सारा काम मॉडल में होगा, उसके जितना डाटाबेस का काम, कहने का मतलब डाटाबेस क्या है वो भी समझाना ज़रूरी है। डाटाबेस क्या है कि आपका जो वेबसाइट का होगा डाटा जो होगा वहाँ पे ना, चाहे यूज़र का डाटा हो, चाहे आपका पर्सनल डाटा हो, या आपका कोई पोस्ट हो, वो सारा कहाँ पे होता है, डाटाबेस में होता है। तो यानी कि सारा कोडिंग जो डाटा आपका होता है वो कहाँ पे होता है, मॉडल से रिलेशन रखता है, सारा काम मॉडल से ही करवाता है डाटाबेस का काम। और जो व्यू है, व्यू का मतलब है HTML, CSS, JavaScript, जो लोग लिखते हैं, जो यूजर को दिखाई देता है ना, जैसे कि हमने किसी भी कोई भी वेबसाइट पर आप जाते हैं तो आपको जो दिखाई देता है वो व्यू होता है, जो आपको सामने दिखाई देता है वो व्यू होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता वो बैक में होता है, वो डाटाबेस होता है, यानी कि मॉडल होता है, हमें दिखाई नहीं देता वो। तो ये जो हमें दिखाई देता है वो HTML, CSS बोलते हैं, वो है व्यू का काम करवाना। और जो कंट्रोलर है, सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी फ्रेमवर्क में जाएंगे आप तो कंट्रोलर ही होता है। अब कंट्रोल का मतलब क्या है कि कंट्रोल करना, देखिए कंट्रोल करना, ये किसको कंट्रोल करता है, दोनों को ही कंट्रोल करता है, मॉडल हो चाहे व्यू हो, दोनों को कंट्रोल करता है वो यही कंट्रोलर। इसे अगर आप अपने घर के लैंग्वेज में समझेंगे तो ये क्या है, फादर की तरह काम करते हैं, कि पूरे फैमिली को ही कंट्रोल करना है इनका काम।
ये फादर की तरह काम करते हैं कि सबके जितना भी आपके पास इस किसी भी वेबसाइट में जितना भी, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसी सेट आगे थोड़ा क्लीन दिखाई देगा, मुझे क्लीन होना अच्छा लगता है। किसी भी वेबसाइट में जितना भी व्यू और कंट्रोलर यानी डाटा डाटाबेस में जितना डाटाबेस हो या जितना भी मॉडल हो सबको कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोलर। यानी कि ये दोनों घर का चाइल्ड है, यानी कि घर का बच्चे हो जाते हैं। इन दोनों बच्चों को कौन कंट्रोल करता है? जो घर का गार्जियन होता है, यानी कि घर का जो फादर होता है या बड़ा भाई होता है ना, वो कंट्रोल करता है ये दोनों को। यानी कि ये दोनों घर के मेंबर्स हैं, लेकिन ये जो है ये हेड मेंबर्स हैं। समझ रहा होगा ना, यानी कि कंट्रोलर का काम क्या है कि सबको कंट्रोल करके एक जगह पे रखना। और जैसे कि घर का, आप घर का अगर बात करते तो समझ आ जाएगा कि ये घर का मेन गार्जियन है। जैसे किसी स्कूल का अगर बात करते हैं तो स्कूल का अगर बात करें तो जब कंट्रोलर होगा ना, घर स्कूल का हेडमास्टर हो जाएगा जो प्रिंसिपल है, और ये जो है ये सारे टीचर होते हैं। अगर एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं तो, यानी कि ये जो होते हैं सारा इसका अंडर काम करते हैं। यानी कि आपको किसी भी वेबसाइट पे आप जाना है तो इससे पूछे बिना आप नहीं जा सकते, यानी कि कंट्रोलर के बिना आप किसी भी वेबसाइट पे नहीं जा सकते। तो ये क्या है कि ये मेन काम करता है किसी भी वेबसाइट के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ आता होगा, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आप थोड़ा सा समझें। जब मैं प्रोग्राम शुरू करूँगा ना, आपको एक एक पढ़ाऊँगा, एक चैप्टर में होगा मॉडल, एक चैप्टर में होगा व्यू, एक चैप्टर में होगा कंट्रोलर, फिर एक चैप्टर में सारा कॉम्बिनेशन होगा, उसके बाद में आप सारा समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो चलिए देखते हैं कि ये मॉडल व्यू कंट्रोलर है ना, ये किस तरीके से काम करता है। तो मैंने छोटा सा यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए मैं इसको दिखाता हूँ। एक जोन नाम का यूजर है आपके पास, जो चाहता है कि मैं आपके वेबसाइट पे आऊँ। यानी कि जोन जो है ना, वो चाहता है कि मैं आपके वेबसाइट का कुछ चीज़ सर्च कर लूँ, या आप जो मैं लॉगिन हो जाऊँ आपकी वेबसाइट पे, या आपके वेबसाइट पे मैं कुछ खरीदना चाहता है। किसी भी आपने अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया है आपने, तो ये चाहता है कि मैं कुछ खरीद लूँ। तो खरीदने के लिए पहले उसको खोजना पड़ेगा आपके वेबसाइट में जाके, तो वेबसाइट पे चला जाएगा, ये जाएगा वेबसाइट पे, जो जोन है ना ये जाएगा आपके वेबसाइट पे। तो जब भी कोई भी यूजर हो अगर वो आपके वेबसाइट पे आना चाहता है तो पहले जाएगा कंट्रोलर पे, हमेशा कंट्रोलर पे ही जाएगा। कंट्रोल पे जाने के बाद में ये जो यूजर है क्या सर्च करना चाहता है, यानी कि इसके अंदर होगा कि क्या वो सर्च करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं लॉगिन हो जाऊं, या वो चाहता है कि मैं कुछ खरीदना है, मुझे कुछ सर्च कर लूं। जो कंट्रोलर यूजर चाहेगा वो कंट्रोलर पे से मांगेगा कि मुझे भाई ये वापस कर दो। तो ये जोन आया कंट्रोलर पे, ये बोल रहा है कि मुझे लॉगिन कर दो। मैं सिंपल बता रहा हूं, बोल रहा है कि मुझे लॉगिन कर दो। तो जोन आया आपके वेबसाइट पे और जोन कह रहा है कि कंट्रोलर से कि मुझे लॉगिन कर दो। तो जब ये कहेगा कि मुझे लॉगिन कर दो, तो कंट्रोलर जाएगा, यहाँ पे देखिए कंट्रोलर है, कंट्रोलर जाए फिर से, एक कंट्रोलर जो है ना, एक कंट्रोलर चला जाएगा मॉडल के अंदर, यानी कि कहाँ पे जाएगा वो डाटाबेस के अंदर आएगा। डाटाबेस के अंदर आने के बाद में वो चेक करेगा अपने डाटा में कि ये जो जोन नाम का इंसान है इसका डाटा हमारे पास है कि नहीं है, यानी कि डाटाबेस में हमारे है कि नहीं ये जोन, कि बस वैसे ही हैकर है कि आके मंदिर चाहता कि मेरे पास कि भाई मुझे लॉगिन कर दो बिना डाटा हुए, बिना लॉगिन, पहले उसका आईडी ही नहीं है वो उसका, तो कैसे लॉगिन कर सकता है। तो क्या करेगा कंट्रोलर, वो बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा मॉडल से, बोलेगा भाई इस नाम का, जोन नाम का कोई हमारे पास डाटाबेस में कोई डाटा है कि नहीं है। अगर है तो ये बोलेगा हाँ है, यानी कि ये देखो वापस कर दिया। पहले ये अंदर आया चेक किया, इसने फिर क्या किया मॉडल ने, मॉडल को काम कहा है कि वापस कर देना है, चेक करके इसके अंदर है कि नहीं है, तो भी चेक रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ वापस करेगा। अगर नहीं है फिर भी कुछ ना कुछ वापस करेगा, अगर नहीं है तो बोलेगा भाई नहीं है, तो वापस आ जाएगा नो, अगर है तो वापस आएगा यस। नहीं लिखता हूँ, आप समझ जाए वैसे ही। अगर यहाँ पे नहीं है तो बोलेगा नहीं है, अगर यहाँ पे है तो बोलेगा हाँ भाई हाँ जी है, तो वापस कर देगा यस आर नो, यानी कि है या नहीं है। अगर है तो भी ये कंट्रोलर डायरेक्टली इसको नहीं देगा वापस, ये देगा कंट्रोलर अपने व्यू को, यानी कि HTML वाले टैग में आ जाएगा ये, यानी कि जो व्यू है ना
ये आ जाएगा व्यू में दे देगा, कंट्रोलर जो है वापसी इसको नहीं करेगा, वापस करेगा व्यू को। तो व्यू पे जो जो इसने वापस की करता है व्यू पे, जो भी ये वापस करता है कि है या नहीं है या जो है वापस करता है, डाटाबेस से मांगा। फिर से एक बार समझते हैं, जॉन ने कंट्रोलर से मांगा कि मुझे लॉगिन कर दो। अब कंट्रोलर आ गया मॉडल पे, देखा कि हाँ भाई वहाँ पे डाटाबेस है कि नहीं है, उस डाटाबेस में इस नाम का इंसान है कि नहीं है, तो यस लॉगिन हो जा बोलेगा, वापस कर देगा, अगर नहीं है तो बोलेगा नहीं है। तो जो जो यहाँ से आंसर आएगा वो यहाँ पे वो कर देगा व्यू पे वापस कर देगा, यानी कि व्यू के पास पठा देगा। जब व्यू के पास आ जाएगा तो व्यू क्या करेगा, फिर वापस जो है जॉन जॉन के पास आंसर रिटर्न कर देगा कि हाँ भाई तू मेरे पास है, तू लॉगिन हो सकता है, या तो भाई मेरे पास नहीं है, लॉगिन नहीं हो सकता। तो देखिए पूरा चक्कर है, जैसे है ना चक्कर के चला चलता है, ये आता है मॉडल पे, मॉडल जाता है कंट्रोलर पे, कंट्रोलर आता है फिर मॉडल ये जाता है मॉडल पे, फिर नहीं नहीं ये आता है कंट्रोलर पे, कंट्रोलर फिर जाता है मॉडल पे, फिर मॉडल देता है कंट्रोलर को, फिर कंट्रोलर जाता है व्यू पे, फिर व्यू जाता है मॉडल पे। तो कितना ज़्यादा यहाँ पे घूम घूम के काम हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो हैकर होते हैं ना वो कन्फ्यूज ज़्यादा है कि है कहाँ से शुरू करें हैक करना, क्योंकि उनको किसी भी वेबसाइट को हैक करने का मतलब मॉडल से डाटाबेस को डिलीट कर देना या डाटाबेस के अंदर बिना डाटा हुए और लॉगिन हो जाना। लेकिन जो यूजर है डाटाबेस तक पहुँच ही नहीं सकता, वो उसे यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले उसको इससे काम करवाना होगा। तो इससे काम करवाने कर ये काम ही नहीं करेगा अगर आपके पास ये डाटा है ही नहीं, तो यहाँ पे आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हैकिंग का बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होता है ये इसके लिए। तो ये बहुत ही यूजेबल आप सभी के लिए, मुझे उम्मीद है आप सभी को कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आया होगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक पिक्चर दिखाता हूँ, अगर शायद आपको समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत। और ये है एक पिक्चर मेरे पास, मैंने गूगल से ही लिया है, ये भी अपने बनाया नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो यूजर है ना ये चाहता है कि मैं आपके वेबसाइट पे आऊँ, आपके वेबसाइट पे आने के लिए या कुछ सर्च करना चाहता है, तो सर्च करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है कंट्रोलर को कि भाई मुझे कोई डाटा आपके पास जो ये चाहता है ना कि मुझे एक फ़ोटो सेंड कर दो। तो ये बोलेगा कि भाई मुझे एक फ़ोटो चाहिए, तो फोटो ये आएगा यहाँ पे कंट्रोलर पे, इसके अंदर आएगा मॉडल के अंदर देखेगा उस वो फ़ोटो मेरे पास है कि नहीं, फ़ोटो है तो वापस कर देगा हाँ है, तो ये आ जाएगा व्यू पे, तो व्यू पे को फिर वापस कर देगा इसके अंदर, यानी कि है तो भी नहीं है तो भी कर देगा। तो ये बस ये सिंपल ही है MVC, आपको समझ आ रहा होगा शायद, उम्मीद है मुझे। अगर आपको समझ नहीं आया है तो फिर भी कोई मसला नहीं, आप समझ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम शुरू करेंगे कोडिंग जब शुरू करेंगे तो आपको बहुत ही आराम से बहुत आसानी तरीके से समझ आ जाएगा। तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी होगा हो गया है, लेकिन फिर भी नहीं कुछ नहीं आपको तो समझ आया होगा। तो सिंपली चलिए आप इसको ख़त्म करते हैं, आज का जो काम था आज का काम ख़त्म कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे डाउनलोड पे आइए, क्लिक करिए, यहाँ पे आइए सिंपली नीचे आइए, यहाँ पे देखिए डाउनलोड कोडिनेटर है ना, यहाँ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। देखिए मेरा पहले डाउनलोड हो चुका है, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन आप डाउनलोड कर लीजिए। अब डाउनलोड के बाद में जो काम करना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, अभी के लिए इतना ही, टेटून गुड बाय।